हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो रूट वर्ड उसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं, मतलब वो खुद से हम लोग करने वाले हैं, उसे रिकॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम आज प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे के इसी वीडियो में। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक मतलब क्या पढ़े थे हम लोगों ने, ऑर्थोस प्लस पेडोस, मतलब कि जो बच्चों का स्ट्रेटनिंग, लेकिन बाद में उसे यूज किया जाने लगा है हर एक जगह पे, मतलब बड़े हो या छोटे हो, बच्चे हो, सबके लिए भी वो टू स्ट्रेटन, मतलब कि बोन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसमें देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ स्केल्टल डिफॉर्मिटीज, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑर्थोडोंटिक्स, फिर से ऑर्थोस प्लस डोंटिक्स, मतलब कि ओडोंटिस, मतलब ओडोंटस मतलब क्या होता था, टूथ, तो टूथ से रिलेटेड देखो स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूरालजिया, न्यूरालजिया में क्या पढ़े थे, न्यूरॉन प्लस अल्गोस, मतलब कि पेन, न्यूरॉन में पेन, तो ये नर्व में पेन हो जाएगा, थर्ड का ए। न्यूरिटिस, न्यूरिटिस मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स। गेरियाट्रिक्स, गेरियाट्रिक्स मतलब जो ओल्ड एज लोग के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, देखो स्पेशली डीलिंग विथ मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से अब हो जाएंगे। कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम में क्या पढ़े थे, जो मशीन हमारे हार्ट को मापता है तो उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम। तो इधर कहाँ है, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट, फर्स्ट का ई हो जाएगा। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ मतलब कि जो रिकॉर्ड करेगा हार्ट बीट को। अब देखो क्या है, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस मतलब नर्व से रिलेटेड होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेंटल अनबैलेंस। और साइकोसिस, साइकोसिस मतलब कि जो माइंड से रिलेटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, इमोशनल, एक इमोशनल डिसबैलेंस होगा और एक होगा मेंटल, तो मेंटल कौन से होगा, न्यूरोसिस में जो नर्व से रिलेटेड होगा, और जो इमोशनल वाला होगा वो किससे होगा, साइकोसिस है, जो पिछले से शायद पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। साइकैट्री, साइकैट्री मतलब वो लोग जो इलाज करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। अब आगे कुछ देख लेते हैं रूट वर्ड को। गिरास, गिरास मतलब क्या पढ़े थे, ओल्ड आइट्रिया, आइट्रिया मतलब जो कर क्या कहता है, मेडिकल हीलिंग। इसके बाद साइक, साइक मतलब माइंड, ठीक है। इसके बाद अल्गोस, अल्गोस मतलब पेन। न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब नर्व। कार्डिया, कार्डिया मतलब हार्ट। अभी हम लोगों ने बहुत बार इन सब चीज़ों को देख रखा है इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। ओडोंटस, ओडोंटस मतलब टूथ। ऑर्थोस, ऑर्थोस मतलब टू स्ट्रेटन, ठीक है। मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब मीजर करना, जैसे जो हमारे आँख का मेजर करता था। ओक्युलस, ओक्युलस मतलब आई, ठीक है। अब आगे हम देखने वाले हैं प्रैक्टिशनर के बारे में कि कौन कौन से प्रैक्टिशनर होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, और उसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका रूट वर्ड, वो रूट वर्ड किस तरह से वो वर्ड मीनिंग एग्जिस्टेंस में आया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिशनर के बारे में। तो जो पहला देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बिहेवियर से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग अगर किसी काम को करते हैं तो वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और इन सारे जो साइकोलॉजिस्ट लोगों की ज़रूरत होती है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि वो लोग क्या चाहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमारा एम्प्लॉय
हमारे कंपनी के बारे में क्या सोचता है, और अगर ये इस बारे में अगर नेगेटिव सोच है या पॉजिटिव सोच है तो किस बात से वो पॉजिटिव सोचते हैं और किस बात से वो नेगेटिव सोचते हैं। तो बिहेवियर से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं प्रैक्टिशनर को, उनको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। और इन सब का रूट वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो पढ़ने वाले हैं आज, वरीज, फियर, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसमें इसके प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं, साइको एनालिस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई आदमी डिप्रेस्ड होता है तो अगर उसका इलाज करवाना है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो जिस भी बंदे का इलाज करना होता है उससे बातें करते हैं और उसके पीछे जाते हैं, उसका रीजन जानने के लिए उसके 2 साल पीछे, 4 साल पीछे, वो शुरू से उनको पूछते हैं कि बचपन से या फिर जब भी उनको याद होता है या फिर जब भी उनको ये बीमारी शुरू होता है तो उस टाइम से वो हर एक डिटेल को पूछते हैं और इसका रूट कॉज पता करते हैं। और फिर इसको क्या करते हैं कि एक हमारा माइंड होता है कॉन्शियस और एक होता है सब कॉन्शियस। तो कॉन्शियस में जो हम लॉजिकली सोचते हैं, सब कॉन्शियस मतलब कि जहाँ पे हमारा सारा बात स्टोर हो जाता है। जैसे हम चलते हैं तो चलने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, हम बोलते हैं जैसे अपना लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम दूसरा लैंग्वेज सीखते हैं तो हम थोड़ा सोच सोच के बोलते हैं। तो इन तरह की चीज़ें जो स्टोर होती है वो कहाँ पर स्टोर हो जाती है, सब कॉन्शियस माइंड में, मतलब कि वो आप स्मूथली आप करोगे, डेली करोगे और आपको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ सोच रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, बट आपका दिमाग उस समय काम कर रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस बंदे ने ऐसा क्या क्या किया कि उसके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ स्टोर हो गया है जिसकी वजह से इसे डर लग रहा है या कन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर जो भी उसका उससे रिलेटेड बीमारी है। तो ये जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइको एनालिस्ट। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है आई के बारे में, और आई के डॉक्टर को मैंने क्या डॉक्टर नहीं ये प्रैक्टिशनर को क्या बताया था, ऑप्टिशियन या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये दोनों जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं। मतलब कि जैसे ये जैसे ग्लास बनाते हैं, जो मेरा चश्मा है इसका ग्लास बनाएंगे, या फिर जो हमारा आँख में जो प्रॉब्लम है कि कितना कितना डायोप्टर का लेंस लगना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ये मापते हैं। तो ये हो गया हमारा आई से रिलेटेड प्रैक्टिशनर। अब चौथा देखते हैं, चौथा होगा बोन्स एंड वेसल्स। इनको बोलते हैं, इसके प्रैक्टिशनर क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपाथ। इनको बोलते हैं ऑस्टियोपाथ। तो ऑस्टियोपाथ जो डॉक्टर प्रैक्टिशनर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि हमें कौन से बोन या कौन से वेसल के चपने की वजह से या फिर कुछ डिफॉर्मिटी की वजह से हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा रामदेव जो है वो कुछ इस तरह के ही इलाज को बताते हैं, बोलते हैं कि जैसे इस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इसको प्रेस करके थोड़ा देर रखने से गैस कम होता है, तो उन्हें पता है कि यहाँ पे कौन सी, यहाँ से हमारा कौन सा नस पास होता है और जो कि हार्ट से या फिर पेट से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से चीज़ें वो लोग बताते हैं कि बोन्स और वेसल को किस तरह से अगर आप प्रेस करते हो तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस तरह के प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपाथ। पाँचवा देख लेते हैं, पाँचवा जो है वो है ज्वाइंट्स एंड आर्टिकुलेशन से रिलेटेड। तो इस तरह के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं काइरोप्रैक्टर। तो जो काइरोप्रैक्टर डॉक्टर होते हैं, जैसे कि हमारे जो स्पाइनल कोड में जो पीठ जिसके थ्रू हम बैठते हैं, प्रॉपर बैठते हैं, हमारा जो पोजिशनिंग करता है, तो वो हमारा जो है रीढ़ की हड्डी या फिर ऐसे स्पाइनल से रिलेटेड जितने भी बीमारी होती है, तो उनके प्रैक्टिशनर को क्या बोलते हैं, काइरोप्रैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स में, फीट। तो अब हम देखते हैं फीट से रिलेटेड डॉक्टर को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं काइरो
पोडिस्ट, क्या बोलते हैं, कायरोपोडिस्ट। जैसे कि हमारे पैर में कुछ, जैसे हम रनिंग करते हैं और दौड़ते वक्त थोड़ा ये ट्विस्ट हो जाता है, इन सारी चीज़ों को, या फिर जो जिनका बचपन से ही थोड़ा पैर टेढ़ा होता है जब जन्म लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को कौन डॉक्टर चेक करता है, वो प्रैक्टिशनर चेक करता है, उसे बोलते हैं कायरोपोडिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एक राइटिंग, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह के प्रैक्टिशनर जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप साइन करते हो तो साइन जो करने, जैसे अगर कि कोई साइन करता है तो उसे ये पता करते हैं कि क्या ये जेन्युइन साइन है कि नहीं। तो वो लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं और वो पता कर लेते हैं कि ये साइन सही में जेन्युइन बंदा ने करा है कि नहीं करा है। और भी ये लोग काम करते हैं जैसे कि हैंड राइटिंग से ये लोग पता करते हैं कि ये किस तरह का बिहेवियर वाला आदमी होगा। तो इन सब चीज़ों को जो प्रैक्टिस करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं, आज का लास्ट होगा गेटिंग ओल्ड। तो ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ लिए थे, गेरास मतलब क्या होता है, ओल्ड, और इसके जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको बोलते हैं गेरोंटोलॉजिस्ट। गेरोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग बूढ़े बुजुर्ग लोगों का इलाज करते हैं, मेडिकल हीलिंग करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं गेरोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब अपने अगले लेक्चर में हम लोग पहले तो इस वर्ड को फिर से रिव्यू करेंगे ताकि हमें याद हो जाए, और उसके बाद फिर इसका रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।